सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी जितने भी आए हुए हैं सबको गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग अपना टाइप 1110 नंबर सवाल को फिर से देखेंगे परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कल की क्लास में इसको जब पढ़ रहे थे तो क्लास बंद हो गई थी, ठीक है ना। ये सवाल आधे से ज़्यादा लगभग हो गया था, आंसर तक हम लोग पहुँचने वाले थे, तभी ये हमारी क्लास क्या हुई थी, बंद हो गई थी। बट आज हम लोग क्या करेंगे, इसको इसलिए फिर से देखेंगे, बेसिक वाला जो देख रहे हैं उसको, उसके बाद इसके ट्रिक पे काम करेंगे तुरंत, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपने सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए, सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कहा गया है, एक साहूकार दो व्यक्ति राम और श्याम को क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपये 5% तथा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो बताइए साहूकार को किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। हमें ब्याज की भी औसत दर बताना है, तो हमने बताया था औसत दर का सूत्र, औसत दर का, औसत दर, ठीक है ना, ये हम बताना है। तो सबसे पहले हम देखें उसे, इस पे कितना ब्याज मिला, इस पे कितना ब्याज मिला, दोनों को जोड़ लेंगे और इस पूरी धनराशि पे ब्याज देख लेंगे, वही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अलग अलग ब्याज देखते हैं, अलग अलग ब्याज। अलग अलग ब्याज का क्या मतलब है, 1200 पे कितना ब्याज मिला, ठीक है ना। इसका मतलब राम 12,000 लिया था और श्याम 18,000, राम का 5% दर था और श्याम का 8%, तो राम का ब्याज निकालते हैं, राम का ब्याज, ठीक है ना, राम का ब्याज, राम का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, राम का ब्याज आपका बनेगा 12,000 रुपए और गुणे 5% के हिसाब से 5/100, ये 0000 काट लिए, 12×5=60, ये हो गया 600 राम का ब्याज हुआ, राम का ब्याज कितना हुआ 600 रुपये, ठीक है ना, राम का ब्याज कितना हुआ 600 रुपये। हम आते हैं श्याम के ब्याज पे, श्याम का ब्याज, श्याम 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 का ब्याज, श्याम का ब्याज, देखो श्याम का ब्याज क्या हो जाएगा, श्याम का ब्याज बराबर, श्याम ने लिया था 18,000, ठीक है ना, ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो मूलधन ये हो गया, दर 5 हो गया, समय 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है, इसलिए मैं यहाँ पे समय का गुणा नहीं किया, क्योंकि 100 गुणा अपने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 18,000 का 8% ले रहा है 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 8% गुणे समय और बटा 100, यहाँ भी आप गुणे समय कर लोगे कोई समस्या नहीं है, गुणे समय कर लो एक तो भी वही आएगा, ठीक है ना, बटा 100। अब इनको सॉल्व कर लो, 0000 काट दो, 18 × 144 1440 कितना आ गया, 1440 1440 ब्याज यहाँ से मिल गया। राम से ब्याज मिला कितना 600, श्याम से ब्याज मिला 1440, कुल ब्याज कितना मिला, कुल ब्याज कितना मिला, कुल ब्याज, कुल ब्याज के लिए दोनों को जोड़ लेंगे, कुल ब्याज 1440, 600 हो गया 2040, कुल ब्याज हो गया 2040। अब देखो 2040 रुपये कुल कितने धनराशि पे इतना ब्याज मिला है, कुल धनराशि इसके लिए हम लोगों ने कितना दिया है, ठीक है ना, कुल धनराशि हमने कितना खर्च किया है, कुल धनराशि हमने उधार दिया था 12,000 और 18,000, 12,000 18,000, ठीक है ना, 12,000 18,000 मतलब 30,000, 30,000 पे कुल ब्याज कितना मिला 2040, 30,000 पे ब्याज मिला 2040, तो इसका हम लोग बना लेंगे परसेंट, यही तो हो गया औसत परसेंट, औसत दर देख लो, औसत दर, औसत दर आपका क्या आ गया, औसत दर बराबर कितना हो जाएगा 2040, ब्याज कितना मिला 2040 और बटा में कितनी धनराशि पर, 12,000 धन 18,000 मतलब कितना 30,000 और गुणे क्या परसेंट बनाना है, 100 से गुणा कर लो, 800 से 000, इस 0 से इस 0 को 3 से काट लो, इसको 10 बार में 3 से इसको काट लोगे, 3×6=18, 2×20=3×8=24, 68 बार में, 68 में 10 का हम लोग जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.8%, 6.1% रेट हो जाएगा। तो जो उत्तर आपका बना वो क्या बना, 6.8%, 6.8% के हिसाब से उसे क्या मिल रहा है, ब्याज दर प्राप्त हो रहा है, औसत दर उसका कितना हुआ 6.8%। अब देखो इसके हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, ये तो था हमारा बेसिक तरीका, हम इसके ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक इसका बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसानी से इसका सवाल का आंसर क्या होगा आ जाएगा, आइए देखें कैसे आ जाएगा बड़े ही आसानी से। औसत दर बताना है, औसत दर, औसत दर के लिए हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है, औसत दर के लिए, औसत दर, औसत दर, औसत दर, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ax धन by, ठीक है ना, और बटा a प्लस बी, a प्लस
भी, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 यहाँ भी कर लो, प्लस डॉट 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 यहाँ भी कर लो, मतलब अगर और आगे भी सी मतलब 3 अनुपात रहेगा तो और बढ़ा लेंगे, 4 अनुपात रहेगा और बढ़ा लेंगे। देखो सबसे पहले इसको हम उस रूप में कन्वर्ट करते हैं, आप कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे, हम लोग कहेंगे ना ये जो 12,000 है और 18,000 है, ये 12,000 है और अनुपात इसको बना लेते हैं 18,000, 12,000 और 18,000 था, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका काट दिया, काट दिया ना, 6 से इस 12 को हम लोग काट देंगे, कितनी बार में, 6 से ये 12 कट जाएगा दो बार में, अनुपात लगा लो, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, क्या हुआ 2:3, मतलब दी गई धनराशि में 2:3 का अनुपात है। आपको परसेंट पता है ब्याज का, तो आप औसत दर इससे नहीं सॉल्व कर लेंगे, इसको अब तो सॉल्व हो जाएगा, औसत दर परसेंट बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स, ए का मान आपका कितना हो गया 2, एस की वैल्यू कितनी हो गई 5% है, प्लस वाई का मान आपका कितना हो गया 3, वाई का संगत परसेंट कितना है 8, बटा ए प्लस बी 2 और 3 कितना 5, 2 और 3 कितना 5, चलो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, 5 × 2 = 10, 8 × 3 = 24, 24 × 10 = 44, 44 बटा में आपका हो गया 5, और 44 बटा में 5 जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 44 बटा में क्या कर दिए 5, तो ये क्या आ गया 8.5, कितना है हमारा 5 × 8 = 40, ये क्या हो गया 5 × 2 = 10, 8 × 3 = 24, 24 × 10 = 34 होगा, 34 होगा, 44 नहीं, कितना हो जाएगा 34, 34 बटा 5 बराबर 6.8%, तो ऐसे भी आपका हो गया 6.8%। क्या ये बात समझ में आई एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बाबू आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, तो यही है हमारा ट्रिक, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना, कहीं से पैदा नहीं होता है, ट्रिक हमारा पिछला वाला ही है, बस हमने क्या किया इसको अनुपात बना लिया। आप सीधे सीधे अगर 12,000 और 18,000 भी यहाँ पे ए के स्थान पे 12,000, बी के स्थान पे 18,000 कर लोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे भी आपको 12,000 धन 18,000 करना पड़ेगा 30,000, ठीक है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं 110 के बाद 111 नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 111 देखें क्या कहा है। एक साहूकार के पास 10,000 रुपए है, जिसमें से 2,500 रुपए व 4% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष बचे धन को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो बताइए साहूकार पर अपने संपूर्ण धन पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। देखो साधारण ब्याज की बात है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में ही ये सवाल, ये ट्रिक लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में मत लगाइएगा। चलिए औसत दर परसेंट हमें बताना है, निकालते हैं औसत दर परसेंट। सबसे पहले तो हम रुपए का अनुपात बना लेते हैं, 10,000 पूरी धनराशि थी, पहले को दिया है 2,500 रुपए, 2,500 पहले को कितना दिया है 2,500, दूसरे को कितना दिया है जो बचा होगा मतलब 7,500 दूसरे को, भाई टोटल 10,000 रुपए बांटा था, एक को 2,500 दिया था 4% के हिसाब से, दूसरे को 7,500 दिया होगा किस हिसाब से 6% के हिसाब से। चलिए इनका अनुपात बना लेते हैं, अनुपात कैसे बनाएंगे, अब देखो जो कटा उसका काट दो, इसको काट दो 00, 25 से ये कटेगा एक बार में अनुपात, 25 से ये कटेगा 3 बार में, 25 × 3 = 75, ठीक है ना, 1:3 का अनुपात हो गया। अब दर परसेंट बराबर होता है हमारा, दर परसेंट बराबर औसत दर परसेंट बराबर क्या होता है, ए एक्स, ए का मान है 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बी वाई, बी का मान है 3, वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, कहाँ गया वाई की वैल्यू, देखो यहाँ पे 6% है, और बटे ए प्लस बी, 3 और 1 कितना 4, चलिए क्या हो गया 4 × 4 और 3 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, 22/4, 22/4 का क्या मतलब होता है 11/2, 11/2 का क्या मतलब होता है 5.5, 5.5%, 5.5%, तो आपका पहला वाला क्या बनेगा उत्तर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आई जो मैं यहाँ पे बताया, ठीक है ना, क्लियर होगा, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल पुराना वाला ट्रिक ही हमारा चल रहा है। आगे बढ़े हैं, अब बढ़ते हैं इसको छोड़ के आगे अगले सवाल पे, सवाल नंबर 112 देखें इसको, देखो इसमें भी वैसा ही है, सवाल नंबर 112 में क्या है, एक
कार के पास 10,000 रुपए जिसमें से 2,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 3,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है, तो बताइए शेष बचे धन को उसके बाद जो बचा, एक बार कितना दिया, 2,000 दिया, एक बार 3,000, 5,000 दे दिया, 5,000 अभी शेष बचा है, तो जो 5,000 शेष बचा है उसको कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे कि संपूर्ण धन पर उसे 65% की वार्षिक दर से ब्याज पर, मतलब औसत दर दे दिया है कितना, 65% होना चाहिए। देखो औसत दर कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए, ठीक है ना। औसत दर क्या दिया है, 65% दिया, यहाँ पे औसत दर हमें दे दिया है 6.5% औसत दर बराबर होता है AX, एक, अच्छा पहले हम अनुपात बना लेते हैं, सबसे पहले इन सबका अनुपात बनाएंगे। देखो ए, तीन लोग थे, तीन लोग को उधार दिया था, पहला मान लेते हैं ए था, दूसरा मान लेते हैं बी था और तीसरा मान लेते हैं सी था। पहले को दिया था 2,000 और दूसरे को दिया था कितना, 3,000, तो जो शेष बचा वो तीसरे को दिया, शेष कितना बचा, 3 × 2 = 5,000 हो गया, तो 5,000 शेष बचा है, अभी 5,000 तीसरे को देगा। 0,0 सबका उड़ा दो, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो बचा क्या, 2:3:5, इसी अनुपात में उसे धनराशि बांटा था। क्लियर है ना, इतना बात समझ में आ गई। अब देखो, अब औसत दर परसेंट आपका दिया 6.5, तो औसत दर परसेंट के स्थान पर लिखेंगे 6.5 बराबर AX, A का मान है कितना 2, X की वैल्यू कितनी है 4, X की वैल्यू कितनी है 4, प्लस B की वैल्यू है कितना 3, Y की वैल्यू कितनी है 5, प्लस C की वैल्यू है 5, और Y की इसके बाद Z, AX धन BY धन CZ, C की वैल्यू है अनुपात में 5, और इसका परसेंट हमें बताना है, शेष बची धनराशि जो थी वो अनुपात में 5 थी, इसको किस दर से उधार दे, तो हम लोग मानते हैं इसको X परसेंट के हिसाब से उधार दे रहा है, X परसेंट या R मान लो रेट है ना, रेट है तो इसको हम R कह दे रहे हैं, R परसेंट के हिसाब से उधार दे रहा है, ठीक है ना। अब नीचे A B C होता है, 3, 2, 5 और 5, 10, 10 का इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 65, और ये बराबर हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15, 15 × 8 कितना 23, 15 × 8 कितना 23 धन 5R, ठीक है ना। इधर देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, देखें क्या हो जाएगा, 65 में से 23 को हम लोग घटा देंगे और 5 का भाग कर देंगे, तो आपका जो R बराबर आएगा, तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और बटा कितना हो गया 5, 42/5 जब हम लोग करेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 2 = 20, 8.4% के हिसाब से शेष धनराशि को उसको उधार देना पड़ेगा, तो ही उसे औसत ब्याज 6.5% के हिसाब से प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अनुपात ना देखे, हमें सीधे सीधे पैसे दिया होता है तो उसको हम लोगों ने सीख लिया कैसे अनुपात में चेंज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपने काम को कर लिए, ठीक है ना, बैठ गया, बन गया उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इसको आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला 112 के बाद 113 नंबर देखें, 113 में क्या है, एक साहूकार दो व्यक्तियों को 3:5 के अनुपात में धनराशि क्रमशः 6% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता, तो बताइए साहूकार को अपने संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब देखो कितना सिंपल सवाल, कैसे सिंपल है, सिंपल ऐसे है कि यहाँ तो सीधे सीधे अनुपात दे दिया है, परसेंट दे दिया हम लोग, औसत दर पूछा है, औसत दर परसेंट हम लोग सीधा सीधा निकाल लेंगे, औसत दर परसेंट सीधा सीधा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स, ए का मान है 3, एक्स की वैल्यू है 6, धन बी वाई, बी की मान है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है परसेंट में 4, बटा ए धन बी, तो 5 × 3 = 8, 5 × 20 6 × 3 = 18, 18 + 20 कितना हो गया 38, 38/8 का क्या मतलब है, 38 का आधा कितना होता है 19 बटा 4, इसको देखो फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन में इसको हम लोग कह सकते हैं 4 × 16 = 3 × 19/4%, 4 × 3/4%, 19/4 को क्या लिखा जा सकता है 4 × 3/4%, ठीक है ना।
बात क्लियर। तो कहां पे है ये, यहां पे देखो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बात क्लियर है, अब आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 114। चलिए सवाल नंबर 114 देखें क्या है। कहा है एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 2/5 भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो बताइए साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो देखो ये बिल्कुल और भी सिंपल है। अब यहाँ पे मत समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे दिया कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं औसत दर बताना है, औसत दर परसेंट हमें फार्मूला पता है, औसत दर परसेंट का एक्स ए की वैल्यू कितना है संपूर्ण धनराशि का 2/5, ए की वैल्यू है 2/5, एक्स की वैल्यू कितना दिया है 15% के हिसाब से प्लस बी वाई। अब देखो और शेष बचे भाग को, अब बताओ अगर 2/5 भाग दे दिया तो शेष कितना बचा होगा, हम लोग एक में से 2/5 घटा देंगे तो कितना बचेगा बराबर 3/5, इसका मतलब शेष कितना बचा था 3/5। जहां भी भाग की बात करता है वहां पे टोटल एक, हम जैसे आपसे कहें आपने आधा खर्च कर दिया तो आपको इसका मतलब अभी आधा बचाए हुए हैं, तो कैसे आपने कहा अभी हम आधा बचाए हुए हैं, क्योंकि आपने आधे को एक में से घटा दिया। वैसे यहाँ पे अगर उसने 2/5 भाग बांट दिया है, दे दिया है किसी को, तो शेष कितना बचा होगा, एक में से 2/5 घटाएंगे तो 3/5 घटेगा, तो शेष बचा कितना 3/5, शेष कितना बचा 3/5, ठीक है ना। चलिए शेष क्या बचा 3/5, तो प्लस 3/5, इस शेष को किस दर से उधार दिया है 12%, शेष को 12% के हिसाब से बढ़ा। नीचे होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, अच्छा आप बताओ नीचे ए प्लस बी जब हम करेंगे तो 2/5 एक था और एक है हमारा 3/5, तो इनका योगफल क्या एक नहीं आएगा भाई, जब यहाँ पे हम पूरा भाग ही एक मान के चल रहे हैं, पूरा हम लोग उसका संपूर्ण मान के एक चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाग की बात किया है, तभी तो एक में से घटा के 3/5 लाए थे, तो इसका मतलब नीचे हमेशा ही एक आएगा, जहां भी भाग वाली बात होगी वहां नीचे हमेशा एक आएगा, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं, ठीक है ना, एक हो गया, एक से भाग देने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर यहाँ से हल कर लो, 5 से ये कटेगा कितनी बार में, अच्छा इसको हल कर लो, 15 × 2 = 30 और 12 × 3 = 36, 30 × 30 = 60, 6 × 66 / 5 और ये हो गया 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10, 13.2%, 13.2, यहाँ पे तो आंसर ही नहीं मैच किया। देखो सारी चीजें यहाँ पे चेक कर लो, सही है ना, ये 12% ही है, वो 2/5 ही है, तो 3/5 बचा, 2/5 15% बार साधारण ब्याज की दर से दिया, शेष 3/5 को उसने कैसे दिया 12% के हिसाब से, तो संपूर्ण धनराशि पर बात तो यही है, ठीक है 2/5 3/5 ये हो गया, तो 15 × 2 = 30 होगा, 12 × 3 = 36 हो गया, 12 × 3 = 36 हो गया, 15 × 2 = 30, 30 × 30 = 60, 6 × 66 = 5, 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 15, 116.0 लगा 0/5 = 13.2%, ठीक है 13.2%, यहाँ पे कहीं भी आप बना लेना 13.2%, ठीक है ना 13.2%, ओके इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना, आगे बढ़े अगले सवाल पे, इसको आप लोग चेक कर लेना, सवाल नंबर 115। 115 में क्या कहा, देखो टाइप बदल गया, हमारा टाइप क्या है नेक्स्ट टाइप का है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, चाहे जिस भी टाइप का है लेकिन ये सवाल क्या है हमारा बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में क्या होते हैं खूब पूछे जाते हैं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, अगर जनसंख्या में इतने % की वृद्धि हो रही हो तो इतने वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, या मूल्य पे पूछ देता है, ठीक है ना, तो ऐसे सवाल सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ अगर पूर्व और बाद, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे कर रहे हैं, यन वर्ष पूर्व या यन वर्ष बाद, यन वर्ष पूर्व जनसंख्या और यन वर्ष बाद जनसंख्या, चलिए अगर हम कहें एन वर्ष बाद जनसंख्या, एन वर्ष बाद जनसंख्या, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर पी ब्रेकेट में 100 ± r / 100
और घात क्या यन, ठीक है ना, 100 प्लस माइनस आर बटा 100 घात यन, ठीक इतना हो गया। अगर यही, ये तो यन वर्ष बाद जनसंख्या, अगर यही यन वर्ष पूर्व पूछ ले, ये यन कहाँ लगा है, ये देखो यन यहाँ पे लगा है घात में, देख लो नहीं तो समझ भी नहीं पाते है ना, एन एन, ठीक है ना, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या, दो सूत्र होता है, एक बाद का पूछा जाता है एक पूर्व का, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या, यहां भी हमारा ए बराबर क्या रहेगा पी, बस यही चीज पलट जाएगा, अगर पूर्व की बात करेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस माइनस आर नीचे चला आएगा, बाकी सारा का सारा चीज क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब बाकी की चीजों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा है फार्मूला, ये दो सूत्र होते हैं इन्हीं को हमें लेके चलना है। जन वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जाए तो ए बराबर पी, 100 प्लस माइनस आर बटा 100 की घात एन, पावर कितना एन, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या ए बराबर पी, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर की पावर एन, बस यही पलट जाता है तो ये पूर्व वाली जनसंख्या आती है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे और लगाते हैं, इसको रिमाइंडर करके रखना, ठीक है ना, याद करके रखना। कहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, यदि नगर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो बताइए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखते हैं, आइए देखते हैं, 3 वर्ष बाद हमसे पूछा है तो हम अपना एन वर्ष बाद, इसका मतलब बाद वाला लगा है, एन वर्ष बाद वाला सूत्र लगाएंगे, ये बाद वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पी, पी का मान आपका कितना दिया है 16,000, पी का मान कितना दिया है 16,000 और ब्रेकेट में 100 प्लस आर, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो मतलब प्लस होगा, 100 प्लस आर मतलब 100 धन 5 कितना हो जाएगा 105, 105 और बटा 100 और इस पे घात क्या 3 वर्ष पूछा है ना, घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको देखो ये हमारा 21 से कटेगा, 5 से कटेगा 21 बार में और ये 5 से कटेगा 20 बार में, ठीक है ना। तो आपका ए बराबर यहाँ से क्या आया, ए बराबर आया 16,000 गुणे 21 की घात 3 और बटा 20 की घात 3, 21 की घात 3 बटा 20 की घात 3, तो इसको आप फाइनली सॉल्व कर लेना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16,000 गुणे 21 बटा 20, भाई 3 है ना घात तो 3 बार गुणा कर लो, गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा में 20, ठीक है ना। अब देखो इस 1 0 2 0 3 0 काट दिया, 1 0 2 0 3 0 काट दिया, 2 2 4 2 8, 8 से 16 कितनी बार में कटा, 2 बार में। अब इस 21 से कितने 441 और गुणे 21 और गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना ये आया आपका आ जाएगा 18,522, ठीक है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,522, ये बराबर हो जाएगा 18,522, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है ना, जो 16,000 थी वो 18,522 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा होता है, कैलकुलेशन बड़ा होता है, इकाई अंक से आप चेक कर लेना, 2 इकाई अंक पे 2 आएगा तो मतलब ये दोनों आप पहले ही ऐसे काट देना, ठीक है ना, इन्हीं दोनों में से कोई बनेगा, ठीक, इकाई अंक से काम करेंगे तो भी हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा गुणा करके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सूत्र को याद रखना, फार्मूले को लर्न करके रखना। चले, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 24,000 रुपए है, यदि उसके मूल्य में 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 2 वर्ष बाद हमें बताना है मशीन का मूल्य। अब देखो ए बराबर पी, ए बराबर पी, ए बराबर पी, ए इज इक्वल टू पी, पी का मान कितना दिया है 24,000 रुपए, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, मतलब 100 प्लस 20 और बाई 100, और यहाँ पे कितने वर्ष की बात किया है, एन का मान क्या है 2 वर्ष, एन का मान क्या है 2 वर्ष, तो हम लोग घात क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, एन का मान क्या है 2 वर्ष, ए का मान पूछा गया था, पी दिया हुआ था आपका वर्तमान मूल्य मतलब प्रेजेंट में क्या चल रहा है 24,000 और एन की वैल्यू 2 दी रखी थी, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि के लिए 100 धन आर हो जाएगा 120 बटा 100, सॉल्व कर लेंगे, 20 से कटेगा 6 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 6 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, तो
तो ए बराबर आपका क्या हो गया, इस 6 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 24,000 गुणे 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग कितना 25, ठीक है ना। 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, इनको हम काट लेंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे ये कितनी बार में कटेगा, 5 से काट लो ये कटा 5 बार में, या 25 से काट लो, 25 से इसको हम लोग काटेंगे तो 25 पंचे 25 नवैया 225, और यहाँ पे बचा 15 150 हो गया, 25 छक्का 150 और ये 0 हो गया। ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारा लास्ट में 0 हो गया, 6 चबक 36 के 6। आप ये बताओ इकाई अंक पे 6 आएगा, इकाई अंक पे कितना आएगा, 6 आएगा, तो इकाई अंक पे 6 कहाँ कहाँ आया है, तो यहाँ पे नहीं होगा ये, यहाँ पे नहीं होगा ये, इन दोनों का हम कर लेंगे गुणा। गुणा कैसे करेंगे, लास्ट में 0 हो गया, गुणा करने का तरीका देखो, ये 96 और 36 है ना, इन दोनों को ऐसे लिख लेना, ये 6 चबक 36 के 6 और हासिल आपका 3, हासिल कितना 3, और 6 3 18 6 9 54 18 और 54 जोड़ के उसमें 3 क्या कर लेना, जोड़ लेना, रिमाइंडर 3 जोड़ लेना, तो आपका आ जाएगा उत्तर 9 6 54 6 3 18। 18 और 54 जोड़ो, 54 10 64, 54 10 64 हो गया, और 64 और 8 कितना 72, 72 और 3 कितना 75, 7 5 7 5 6, 75,600, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, देखो हम लोगों ने गलत गुणा कर दिया, गुणा क्या कर दिया, गलत कर दिया, 75 कहाँ से हो गया, ऐसे काम करेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़े के चक्कर में ऐसे कर लो, 6 36 के 6 3, 6 9 में 54 54 3 57 के साथ हासिल आपका 5, और सॉरी पूरा 57, 6 3 18 के 8 1, और 6 9 3 27 और 1 28, 6 हो गया, 8 7 15 के 5 1, 8 5 13 14 के 4 1 2 1 3, 34 3 4 आपका आ गया, 3 4, ये हमारा क्या हो गया, 3 4 3 4 5 6 3 4 5 6 और इतना, ठीक है ना, इतना 3 4 5 6 सिंगल बार, एक ही बार 6 रहेगा, एक बार 6 हटा लो, ठीक इतना हो जाएगा। तो ये वाला किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाएं, 117 नंबर का सवाल लगाएं, देखिए क्या हो जाएगा, ठीक यहाँ पे देखें, चलिए सवाल को लगाएं, तुरंत आंसर बताइए सवाल को। आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे, सवाल नंबर इसको बताएं फटाफट, तुरंत आंसर दें, ठीक है ना, तुरंत आंसर दीजिए, हमारा फोन आ गया था इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए नहीं काट पाए। चलिए 117 नंबर का आंसर देखो, इसको सॉल्व कर लो, ऐसे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, वर्तमान जनसंख्या इतना है, 10% की दर से वृद्धि हुई, तो बताए 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे हमसे पूर्व जनसंख्या पूछा है, और अगर हमसे पूर्व की जनसंख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने बताया, अगर हमसे पूर्व की जनसंख्या पूछी जाए तो हमको ये करना है, सूत्र क्या करना है, उलट देना है, a बराबर p ब्रेकेट में 100/100 r की घात क्या कर देना, यन कर देना है, तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा, p की वैल्यू दी 53240 और इंटू 100, ऊपर तो हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा, 100/r, 100 10 110, और यहाँ पे घात में क्या लग जाएगा, घात में क्या लग जाएगा, 3 वर्ष पूछा है ना, तो घात में हो जाएगा 3, 0 से 0 काट लेना, ए बराबर आपका देखो क्या आ गया, 53240, 10 की घात 3 मतलब 10 10 10, 3 बार 0, 11 की घात 3 का मतलब क्या, 1300 1351 और 31 चौका, हाँ 4 बार में ये कट जाएगा, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, पीछे 0 है 40 हो गया, तो आपका ए बराबर आ गया 401230, मतलब 40,000, ए का मान हमारा क्या है, 40,000, इसका मतलब जनसंख्या हमारी घट के कितनी हो जाएगी, 40,000, ठीक है ना।
जो जनसंख्या हमारी थी 53,240, 3 वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या देखे तो हमारी 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 40,000 हो जाए, ठीक है ना। चलिए इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 118 नंबर के सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए 118 पे आए, देखे 118 नंबर के सवाल में क्या दिया है, इसको हटाते हैं, 118 नंबर पे आते हैं। देखो पौधे की लंबाई की बात किया तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। पौधे की लंबाई को हम लोग देख लेते हैं। दिया एक पौधे की वर्तमान लंबाई 72 सेंटीमीटर है, इस पौधे की लंबाई में 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो बताए 2 वर्ष पूर्व पौधे की लंबाई, 2 वर्ष पूर्व की बात किया है। तो यहाँ भी फार्मूला अपना वही लगा लो, कोई समस्या नहीं है। ए बराबर पी, पी है आपका 72 और ब्रेकेट में 100/100 पूर्व की बात की, इसलिए इसको लगाएंगे। 20% की दर से वृद्धि हो रही है तो ये 120 हो जाएगा, और 2 वर्ष की बात किया है तो घात 2 लग जाएगी, ठीक है ना। 20 से काट लेना इसको 5 बार में, 20 से काट लेना इसको 6 बार में, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 72 × 5/6 का वर्ग कितना 36, और ये 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना 25, 6 का वर्ग कितना 36। 36 से 72 को 2 बार में काट लेना, 50 × 25 कितना 50 हो गया, तो आपका 50 सेंटीमीटर। 2 वर्ष पूर्व पौधे की लंबाई कितनी रही होगी, 50 रही होगी, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व पौधे की लंबाई कितनी थी 50, ठीक, बात समझ में आ गई। चलें अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 119। 118 के बाद 119 नंबर देखें। 119 में क्या कहा गया है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 4,000 रुपये है, यदि उसके मूल्य में, यदि उसके मूल्य में 1/5 भाग वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। जहां भी भाग दे देता, हमने कहा था 100 के स्थान पे 1 लिख देंगे, सूत्र के प्रयोग में 100 के स्थान पे 1 लिख देंगे, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य पूछा है, तो बाद वाला सूत्र हमारा क्या होता था, ए बराबर पी ब्रेकेट में 100 + R/100। अब देखो 100 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 + R/100 होता था ना, 100 के स्थान पे 1 लिख लेंगे और घात यहाँ पे n रहेगा, ठीक है ना, यही बनेगा। तो ए बराबर पी का मान है 4000, 1 का कोई फर्क है नहीं बटा में, 1 + 1 + 1 + R, R का मान कितना 1/5, 1/5 भाग की बात किया है ना, तो R के स्थान पे 1/5 रख देंगे, 1 + 1/5, और यहाँ पे कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे वर्ष के स्थान पे क्या रख देंगे, n के स्थान पे क्या हो जाएगा 2। R के स्थान पे देखो यहाँ पे परसेंट ना देके भाग दिया है, अगर इसको आप परसेंट में बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/5 को आप 20% कर सकते हो, 20% ले लो, चाहे 1/5 रखोगे तो ऐसे, ठीक है ना, भाग लोगे तो यहाँ से 100 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, 100 के स्थान पे 1 लिखना पड़ेगा। तो ए बराबर देखो ये आपका क्या आ गया, 4000 × 5 = 5 = 6, 6 × 36 और 1/5 = 25, 36/25 हो गया, और इसको आप लोग काट लो 25 से, या पहले इनका गुणा करा लो, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 0 0 0 और 4 × 24 = 4 2 4 3 12 2 14, और इतना का भाग किससे देना है, 1/25, 25 से हम लोग काट देंगे, किससे 25 से, 25 से काटने के बाद देखो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, ए बराबर हमारा क्या आ गया, देखो 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 × 5 = 125, 125 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 19, तो 190 हो गया, 25 × 7 = 175, एक मिनट, 25 का भाग देना, 14,400 में भाग करना है, जल्दबाजी में सारे क्वेश्चन एक बार देखो, 5 × 5 कमी हो रही है कि वृद्धि, वृद्धि हो रही है 1/5 की ना, तो 1/5 की अगर वृद्धि हो रही है तो मतलब 1 + 1/5 हो जाएगा, ठीक तो है, 2 वर्ष बाद पूछे 5 × 5 = 6/5 हो गया, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 हो गया, तो यहीं से थोड़ा सा इसको काट के फिर गुणा कर लेते हैं, 25 से काट लो इसको, 25 से काटो, 25 × 25 = 1540, 25 × 150 और 0 हो गया, ठीक है ना, 36 × 160।